चलो, पिछले क्लास में हमने बॉन्ड मार्क के बारे में पढ़ लिया था, तो आज हम उससे ही आगे के क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, तो एक बार बॉन्ड मार्क को फिर से रिवाइज कर लेते हैं। बॉन्ड मार्क की जो फुल फॉर्म होती है, बी मतलब होता है ब्रैकेट कोष्टक। तो सबसे पहले किस भी प्रश्न में ब्रैकेट दिया है वही हल होगा। ठीक है, ऑफ होता है गुणा, अगर यदि ऑफ दे रखा है तो ऑफ पहले सॉल्व होगा। डी मतलब डिवाइड भाग, एम मतलब मल्टीप्लाई, गुणा। बेटा माइक ऑफ कीजिए अपना, डिस्टरबेंस आ रही है आपकी तरफ से। माइक एंड वीडियो ऑन नहीं होना चाहिए। एडिशन जोड़, ठीक है, जो पांचवे नंबर पे हल होगा। छठे पे आता है सब्ट्रैक्शन, जो हमारा लास्ट में होगा। ठीक है, सीरीज सभी को याद है। चलो, अब अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको रिवाइज करवाई दिया है कि हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो एक क्वेश्चन है आपके सामने, इस क्वेश्चन को सॉल्व करो और आंसर बताओ। सेम पहले जैसा ही, दो चिन्ह दिख रहे हैं आपको, एक प्लस का है, एक गुणा का है। आपको बॉन्ड मार्क रूल लगाना है और देखना है कि पहले कौन सा चिन्ह हमारा हल होगा। ठीक है, एक प्लस का है, एक गुणा का है, तो आंसर सबका आ जाना चाहिए जल्दी जल्दी। और फिर जिस बच्चे का मैं नाम लूंगी वो अपना माइक ऑन करके बताएगा मुझे कि कैसे उसने सॉल्व किया। ठीक है, चलिए, अब मैं जिसका नाम लूंगी ना वो बच्चा मुझे बताएगा उसने क्वेश्चन को कैसे हल किया। तो चलिए, सुभाष के नाम से जो बच्चा है, बेटा माइक ऑन करो और मुझे बताओ कैसे किया आपने। मैम वो सुभाष, स्क्रीन अच्छे से नहीं दिख रही थी, इसलिए बाद में जब दिखी तो मैंने वापस कर दिया। मैम हाँ तो बताओ फिर कैसे किया। मैम पहले मल्टीप्लाई की और फिर बाद में प्लस किया, 7 3 21 और फिर प्लस में 4 25। बहुत बढ़िया, वेरी गुड बेटा। सभी ने इसी तरीके से किया कि आपको यहाँ पे दो चिन्ह दिख रहे थे, एक प्लस का है, एक मल्टीप्लाई। तो आपने देखा बॉन्ड मास में मल्टीप्लाई आता है पहले, प्लस बाद में आता है, तो पहले आप मल्टीप्लाई करेंगे। अब चिन्ह क्योंकि 6 और 7 के बीच में मल्टीप्लाई का है, उन्हें कोई गुणा करोगे 21 आएगा, 21 में 4 जोड़े होंगे तो 25 आ गया। वेरी गुड, ठीक है, यस। अब मैं देख लेती हूँ किस बच्चे ने गलत किया। और एक रविंद्र गोपाल के नाम से जो बच्चा है, एक एक जो संतलाल कामिया के नाम से जो बच्चा है, हाँ इन दो बच्चों ने गलत किया है। बेटा अभी क्लियर है आप दोनों को कैसे होगा ये क्वेश्चन, क्योंकि आपने गलत, समझ में आया। यस बेटा, समझ में आया मैंने जिन बच्चों का नाम लिया। यस मैम। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन करो। उदाहरण नंबर 3, वैल्यूज वही है बट इसका आंसर बताइए क्या आएगा। कीजिए सॉल्व, 4 प्लस 3 ब्रैकेट गुणा 7। तो आने स्टार्ट हो गए। ठीक है, कोई जल्दी नहीं है, बाकी बच्चे भी आराम से सॉल्व करो क्वेश्चन, फिर आंसर करो। देन मैं अगेन फिर से माइक ऑन करके पूछूंगी जिससे बच्चों को आंसर बताया जाए। थर्टीन बच्चों ने आंसर कर दिया है मुझे। अभी भी 5 बच्चे रह गए, उन्होंने आंसर नहीं किया है चैट सेक्शन में।
पांच बच्चे अभी भी रह गए जिनका आंसर नहीं आया है। तो ठीक है, चलिए अब मैं किसका नाम लूंगी ना, मुझे बताएगा उसने कैसे सॉल्व किया। ठीक है, चलिए प्रियांशु के नाम से जो बच्चा है बेटा, माइक ऑन करिए और बताइए कैसे आंसर आया आपका। प्रियांशु के नाम से जो बच्चा है, हाँ मैम क्या तो सब नहीं जा कैसे किया? फोर मैम 4 और 3 7 सबसे पहले क्या किया, स्टेप बताओ क्या किया आपने सबसे पहले। ठीक मल्टीप्लाई आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे। चलिए कोई बात नहीं, कार्तिक राम के नाम से जो बेटा आप बताओ कैसे किया। कार्तिक राम के नाम से जो बच्चा है, आपने कैसे निकाले इसका आंसर? वैसे आपका आंसर चैट सेक्शन में आया नहीं है, या नहीं आपने क्वेश्चन कार्तिक राम के नाम से जो बच्चा है बेटा, माइक ऑन करिए और बताइए कैसे किया आपने क्वेश्चन को। कौन बेटा मुझे, अगर आप क्लास में हो ना, तो आप सभी के आंसर मुझे चैट सेक्शन में चाहिए, और मुझे पता चल जाएगा किस बच्चे ने आंसर नहीं किया है। तो आप, अगर आप आंसर नहीं कर रहे हैं, तो मुझे आंसर चाहिए चैट सेक्शन में सभी बच्चों के। क्लास में आने का फायदा नहीं है अगर आप आंसर नहीं कर रहे हैं तो। क्लियर हुआ? मुझे आंसर चाहिए सभी बच्चों के। चलिए दीपक के नाम से जो बच्चा है बेटा, कैसे किया आपने क्वेश्चन ये? दीपक के नाम से जो बच्चा है, आपने भी चैट सेक्शन में आंसर नहीं किया है। माइक ऑन करिए और बताइए कैसे किया आपने क्वेश्चन सॉल्व किए। दीपक नहीं, तो बेटा आप लोग क्लास में, हाँ बताओ बताओ, यस बताइए। दीपक के नाम से जो बच्चा है बेटा, बताओ। ऐसे क्लास में नहीं चलेगा ना कि आप सिर्फ आके बैठ रहे हैं, तो मुझे ये सब पसंद नहीं है। पर आप क्लास में हो तो मुझे प्रॉपर आंसर चाहिए और विद एक्सप्लेनेशन। यस, इंदर के नाम से जो बच्चा बेटा, आंसर तो करो बताओ कैसे किया। इंदर दयाल के नाम से जो बच्चा है, आंसर कैसे किया आपने? तो चैट सेक्शन में भी किया आंसर, बताइए कैसे मैम किया। कोई नहीं बता रहा, मैं बताऊं क्या? मैम एक मिनट आप चुप जाओ, अभी रुक जाओ, 4 और 3 को जोड़ के 7 हो जाएगा, 7 7 49 दोबारा बोलो। आएगा। 4 और 3 को जोड़ के 7 हो जाएगा, और 7 और 7 को गुणा करके 39 49 आ गुड जाएगा। बेटा, बहुत बढ़िया। तो आप सभी ने यही किया होगा कि आपको यहाँ पे ब्रैकेट भी दिखा होगा, है ना? ब्रैकेट दिखते ही आपने सोचा, आपको पता है कि ब्रैकेट तो पहले नंबर पे आता है, तो पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा, उसके बाद गुणा होगा इस पर। ठीक है, अब ब्रैकेट के अंदर जो भी साइन है उससे फर्क नहीं पड़ता, एडिशन है तो एडिशन करो, माइनस है तो माइनस करो। एडिशन है, जोड़ दिया 7 और 3, 4 और 3 7 हो गए, 7 को 7 से गुणा किया, 49 आ गया। ठीक है, यस मैम। हाँ, और सभी बच्चों का ये आंसर ठीक है, जो मुझे बहुत अच्छा लगा कि सभी बच्चों का आंसर ठीक है। अब देखो दोनों में डिफरेंस देख लो, भले ही वैल्यू एकदम सेम है, बट यहाँ ब्रैकेट लगते ही आंसर मेरा डिफरेंट हो गया। ठीक है,
चलिए अब आपके सामने दो और क्वेश्चन दिख रहे होंगे, प्रश्न एक और प्रश्न दो, ठीक है, इन दोनों को सॉल्व करो और दोनों का आंसर मुझे चैट सेक्शन में दो। आराम से सॉल्व कीजिए, चैट सेक्शन में आंसर करिए दोनों प्रश्न का, वन का भी और सेकंड का। गुड, गुड, ओके। अभी तक सभी बच्चों के आंसर ठीक से आ रहे हैं? वेरी गुड, वेरी गुड। बढ़िया, गुड। चलो अब मेरा उत्तर उत्तर एक आएगा मैम। हाँ, निशांत कुमार के नाम से बच्चा है बेटा, फर्स्ट वाले का बताओ कैसे किया पहला। मैम 45 में से 36 घटा के 9 आया और 9 को 9 से भाग दे दिया। पहला वाला बेटा, पहला पहला वाला प्रश्न एक, पहले घटाया आपने प्रश्न एक में। नहीं, नवीन के नाम से जो बच्चा है बेटा बताओ पहले प्रश्न को कैसे किया। मैम दूसरे में आंसर 41 है। मैम दूसरे का 41 है या पहले का 41 है? दोनों सेम है। दोनों का आंसर सेम है। अच्छा, कोई ऐसा बच्चा जिस आंसर अलग अलग आ रहा हो, कोई है ऐसा या सेम ही आ रहा है? मैम यस मैम अलग ही आया, देखो अब देखो क्यों नहीं आ रहा है। यहाँ ब्रैकेट नहीं, यहाँ ब्रैकेट है, आंसर दोनों का अलग आएगा। यहाँ आपने देखा तो वर्ड मार्क के हिसाब से पहले वाले प्रश्न में भाग पहले होगा घटा बाद में होगा, तो पहले आप डिवाइड ही करोगे, 36 को 9 से भाग किया 4 आया, 9 हो जाए 36 होता है। अब 45 में से 4 घटाओगे 41 आएगा, तो पहले का आंसर 41 आया, 41 आया। भाई दूसरे प्रश्न को अगर आप देखोगे, यहाँ ब्रैकेट है जैसे हमने पिछला प्रश्न किया था, तो पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा। ब्रैकेट मतलब 45 में से 36 घटाने होंगे आपने, कितना आएगा 9। अब 9 को 9 से भाग करना पड़ेगा, कितना आएगा 1 आएगा। आंसर सेम कैसे? आंसर तो वैसे सेम नहीं आ सकते ना, क्वेश्चन देखते ही बता सकते हो कि वैल्यू भले ही सेम है पर एक में ब्रैकेट है एक में ब्रैकेट नहीं है, तो आंसर सेम कैसे आएगा? क्लियर हुआ सभी को? पहले का आंसर 41, दूसरे का 1। कोई ऐसा बच्चे से क्लियर ना हो दोबारा पूछ लो। मैम फिर से बता दो। इसे बता दूं, देखो पहले वाले में आपने देखा कि घटा और भाग है ना, एक घटा का साइन है एक भाग का है। अब बॉड मास में गए, आपने यहाँ देखा कि पहले घटा पहले भाग हो रहा है, डिवाइड पहले आ रहा है कि बाद माइनस आ रहा है, तो पहले डिवाइड करोगे है ना। 45 ऐसा का ऐसा उतार दिया, 36 को 9 से भाग किया, 36 को 9 से भाग किया 4 आएगा ना, 4 लिख दिया आपने। अब 45 में से 4 घटा दिए 41 आ गया। वैसे ही अगला वाला, अगले वाले में आपने देखा कि भाई ब्रैकेट पहले उसके बाद भाग आ रहा है, तो पहले ब्रैकेट है लोगा उसके बाद भाग होगा, तो पहले ब्रैकेट में 45 माइनस 36 लिखा था, दोनों को घटा दिया 9 आया, 9 भागा 9। अब 9 को 9 से भाग करोगे एक ही तो आएगा, मेरा उत्तर हो गया।
इसमें आगे बढ़े। यस इसमें मैम, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आप लोग पोल सेक्शन में सॉल्व कीजिए, क्योंकि पोल सेक्शन में ही आपका जो प्रॉपर डेटा है वो आएगा मेरे पास, नहीं तो आप चैट सेक्शन में आंसर कॉपी कर लेते हो। तो 11वां क्वेश्चन है, 24 माइनस 4 भागा 4। 11वां क्वेश्चन पोल सेक्शन में आ गया होगा, कीजिए सॉल्व। गुड। मैम फाइव नहीं, आंसर माइक ऑन करके कोई नहीं करेगा, पोल सेक्शन में मुझे एग्जैक्ट पता चलेगा कितने बच्चे सही कर रहे हो, कितना को समझ में आया होगा। देखो 9 बच्चों ने आंसर किया है, और पता है कितने बच्चों का आंसर ठीक है? सिर्फ 6 बच्चों का आंसर ठीक है, 3 किया है। मतलब वो 3 बच्चे ऐसे हैं जिनको समझ में नहीं आया, या तो उनने गलती से आंसर वहां गलत टाइप कर दिया है। नाम बताना। नहीं बेटा, नाम नहीं आते, बस मुझे इतना पता चलेगा कितने बच्चों ने सही किया है। गुड। ज्यादा से ज्यादा बच्चे बेटा चैट सेक्शन में आंसर तभी करना जब पोल सेक्शन का ऑप्शन आपके पास ना आ रहा हो, ठीक है? अब चैट में तभी आंसर करना, पोल में ऑप्शन आ रहा है पोल का आपके फोन में, तो पोल में ही आंसर करिए, ठीक है? क्योंकि अभी भी बहुत कम बच्चों ने आंसर किया है पोल सेक्शन में, 11 ही बच्चों का आंसर आया है मेरे पास। मैम चैटिंग चलते नहीं रही। चलो बेटा, इतने कम बच्चों ने आंसर कैसे करा है फोन सेक्शन में? क्लास में 24 बच्चे हैं और 11 ही बच्चों का आंसर। गुड, 12 बच्चों ने कर दिया है, वेरी गुड। एक और चीज, जब आप पोल सेक्शन में आंसर करते हो ना, तो वाली जो अटेंडेंस होती है वो भी आगे जाती है, समझ गए? पोल सेक्शन में आंसर करना बहुत जरूरी है अगर आपके पास ऑप्शन आ रहा है। जिसके पास नहीं आ रहा उसकी उसका केस अलग है, बट अगर आपके में आ रहा है तो कीजिए आंसर। चलो आखिरी के 5 सेकंड और है, 5 4 3 2। मैम मेरा कीबोर्ड ही नहीं चल रहा है। अच्छा कोई बात नहीं बेटा, अब चैट सेक्शन में कर देना आंसर, ठीक है? चैट ठीक है मैम। सेक्शन ऑन कर दिया मैंने, चैट सेक्शन में कर दो। ठीक है, बढ़िया। चलो अब मैं पूछ रही हूँ। हाँ, लकी के नाम से जो बच्चा है बेटा, आंसर बताओ कैसे किया और क्या आया? मैम गलती से लिख गया। नहीं कोई बात नहीं, आप बताइए कैसे ट्राई कर किया आपने, आंसर कुछ भी आया आप बताओ आपने सॉल्व कैसे किया। लकी के नाम से जो बच्चा है बेटा, बेटा आपकी तरफ से ना बहुत डिस्टरबेंस आ रहा है आवाज का। पहले डिवाइड होगी फिर माइनस होगी। ओके वेरी गुड, ठीक है, ये सही बोला आपने, पहले डिवाइड होगा फिर माइनस होगा, है ना? क्योंकि डिवाइड पहले आता है माइनस बाद में आता है। 24 माइनस 4 भागा 4, तो आपने क्या किया, सबसे पहले 4 को 4 से भाग किया तो 1 आया, अब 24 में से 1 घटाया कितना आया, 23 आया, तो ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है। और काफी बच्चों ने चैट सेक्शन में लिखे ए ऑप्शन टाइप किया है। बेटा 5 कैसे आएगा? चलो
सरिता के नाम से बच्चा बेटा, 5 कैसे आया आपका? आंसर तो 23 आना चाहिए ना, 5 कैसे लेके आया आप? क्या किया आपने, 24 में से 4 घटा दिए आपने। जब भी ऐसी दिक्कत हो ना, साइड में बॉर्ड मार्क जरूर लिखा करो, नहीं तो आंसर गलत आएगा। ठीक है, ये चीज लिख लिया करो। आपने क्या कर दिया, जिनका भी 5 आंसर आया उन्होंने माइनस पहले कर दिया, जबकि आपको पता है बॉर्ड मार्क के हिसाब से पहले हमारा डिवाइड होगा, माइनस तो बाद में होगा। ठीक है, चलिए क्लियर ये क्वेश्चन सभी को। अगला करें क्या, फोर्थ सेक्शन में एक और क्वेश्चन करते हैं। चलो यस मैम, यस मैम। बहुत इजी क्वेश्चन, यस। देखो क्या है? गुणा 3, 12वां प्रश्न कीजिए पोल सेक्शन में आंसर। और इस बार मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि सभी का आंसर ठीक हो। बॉर्ड मास लिखो साइड में, लो मैं लिख देती हूँ आप लोगों के लिए बॉर्ड मास साइड में। आपको बस ये पहचानना है पहले साइन कौन सा आ रहा है, उसको सॉल्व करो। बहुत इजी क्वेश्चन है। वेरी गुड, बड़ी जल्दी आंसर कर दिया आपने, बहुत बढ़िया। हाँ, एक बार रिजल्ट पहले के हिसाब से काफी सही है, 15 में से 13 बच्चों का आंसर ठीक है। अभी देखो 17 बच्चों ने आंसर कर दिया, वेरी गुड। सिर्फ 2 ही बच्चों का आंसर गलत है। चलिए आखिरी के 5 सेकंड बेटा, 5, 4, 3, 2, 1। चलो बाकी बच्चे चैट सेक्शन में आंसर कर दो। बढ़िया, गुड। चलिए देखो किया वैसे ही आपको दिख रहा है प्लस का साइन एक मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई पहले होता है प्लस बाद में होता है। तो आपने पहले 3 को 3 से गुणा कर दिया होगा, 3 3 9 होता है, 9 में 3 जोड़े होंगे 12 आ गया, सिंपल। नहीं बेटा 21 किसका, 21 तो ऑप्शन में भी नहीं है, 12 है वो। यस, ठीक है, 12वां क्वेश्चन भी हो गया हमारा। चलो आगे करते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं। हम जितने क्वेश्चन हम करते जाएंगे पोल सेक्शन हमारे हाँ बढ़िया होता जाएगा। ठीक है, चलो 13वां जो क्वेश्चन है थोड़ा सा अलग है। अलग इसलिए है आपको यहाँ पे 3 सिंबल दिख रहे हैं, 3 चिन्ह एक साथ है, एक माइनस का, एक प्लस का, एक गुणा का, लेकिन होना उसी तरीके से है। बॉर्ड मास लगाओ, कौन सा पहले हल होगा वो करो। ठीक कीजिए, है वैसे ही बस। अब 2 वाले करे इस बार, 3 वाले हैं, तो इसमें मुझे चांसेस लग रहे हैं कि बच्चों से शायद गलत हो जाए। 25 मैम। नो बेटा, निशांत कुमार के नाम से जो बेटा माइक ऑन करके आंसर, कभी आपको पता है मुझे पसंद नहीं है ना, मतलब माइक ऑन करके आंसर थोड़ी ना करते हम, पोल सेक्शन का यूज करते हैं या चैट सेक्शन का करते हैं। सॉरी गुड, कोई बात नहीं, पूरा टाइम ले लो अपना, बट आंसर को ध्यान से समझना, फिर ही क्वेश्चन को ध्यान से समझना, फिर इसका आंसर करना। ठीक है, अच्छा कोई ऐसे बच्चे भी जिनका आंसर ऐसा आ रहा है जो ऑप्शन में ही नहीं है? यस मैम, यस मैम, यस मैम, यस मैम, यस मैम, गुड, ठीक है, ठीक है, मैम, ठीक है, यस मैम, ठीक है।
हो गया सभी का। मैं लास्ट के 5 सेकंड्स और हैं। 5, 4, 3, 2, 1। चलो चलिए चैट सेक्शन ऑन हो गया है, बाकी बच्चे चैट में कर दो आंसर, जो भी आंसर आ रहा है उनका, चाहे वो ऑप्शन में है चाहे नहीं है। काफी अलग अलग आंसर आ रहे हैं, 23, 20, 28। गुड, 28 और 23 ज्यादा आ रहा है। अच्छा अब मैं आपको एक चीज बताती हूँ कि इसका आंसर इन्हीं 4 ऑप्शन में से ही है। तो जिनका 23 आ रहा है ना, उन्होंने ये गड़बड़ करी होगी, मैं बताती हूँ क्या। तो सबसे पहले माइनस का साइन है, प्लस का साइन है, माइनस का है, प्लस का है, मल्टीप्लाई का है। तो सबसे पहले मल्टीप्लाई पहले होगी, मैं क्वेश्चन यहाँ उतार लेती हूँ। 8 माइनस 7 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय 4। तो आपने क्या किया, सबसे पहले मल्टीप्लाई किया होगा, ये स्टेप सभी का ठीक होगा, यहाँ तक ना सभी नहीं ठीक किया होगा। 6 को 4 से गुणा करा होगा, 24 आ गया। अब अगले स्टेप में आप देखेंगे कि प्लस होना चाहिए, मल्टीप्लाई के बाद प्लस आना चाहिए इसके अकॉर्डिंग। तो आपने क्या किया, आपको 24 और 8 को जोड़ना है, 24 को और 8 को जोड़ना है, क्योंकि 8 के आगे प्लस का साइन है, 7 के आगे तो माइनस का साइन है ना बेटा, 7 को ना जुड़ेगा 24 में। समझ रहे हो क्या गड़बड़ करी है, 24 में 8 जुड़ेगा 32 होंगे, फिर 7 इसमें से घटेगा तो आंसर मेरा 25 आएगा। समझ में आया, जिनका 23 आंसर आ रहा है कुछ और आ रहा है, ये गड़बड़ करी आप लोगों ने। आपने क्या किया, आपने 24 में 7 को जोड़ दिया, जबकि अगर आप 7 के आगे साइन देखो तो वहां माइनस का है, तो वो गलत हुआ, आपने माइनस पहले कर दिया, बट बोर्ड मार्क्स के अकॉर्डिंग प्लस पहले होना चाहिए। क्लियर हुआ सभी को ये? क्लियर हुआ सभी को ये? यस मैम, यस मैम, मैम। हाँ कोई बात नहीं, इसी के तरीके के और क्वेश्चन। यस मैम। हाँ अभी 2-4 क्वेश्चन और कर लेते हैं ऐसी। अगर ये क्वेश्चन क्लियर है तो बेटा बताओ, मैं तो एक और बार एक्सप्लेन कर दूंगी मैं आपको ये वाले, क्योंकि आगे मैं ऐसे 2-4 क्वेश्चन और दूंगी अभी। मैम, यस मैम, हेलो मैम। हाँ बोलो बेटा। मैम ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया मेरे तो। नहीं आया क्वेश्चन समझ में, एक और बार समझा रही हूँ, देख लो फिर से। ओके मैम। आपको यहाँ पे 3 साइन दिख रहे होंगे, 3 चिन्ह में दिख रहे हैं, आपको पता है 3 चिन्ह के हिसाब से सबसे पहले गुणा होगा। यस मैम। आपने स्टेप कर दिया, यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। हाँ मैम। अगले स्टेप में अगर आप यहाँ ध्यान से देखो तो आप 24 और 8 को, ये तो जो 8 के आगे कोई साइन नहीं है तो प्लस ही तो मानोगे। हमें पता है कोई भी ऐसी संख्या जिसके आगे कोई साइन नहीं होता, जिसके आगे कोई चिन्ह नहीं होता, हम वहाँ प्लस ही तो मानते हैं ना। तो बस 24 और 8 ही तो जुड़ेंगे, क्योंकि बोर्ड मार्क्स के रूल के हिसाब से प्लस होना चाहिए। तो 24 और 8 को जोड़ा तो 32 आया। अब 7 बचा, 7 के आगे को जो जो साइन है वो लगा दो, माइनस है माइनस लगा दो, 32 में से 7 25 आ गया मैम समझ में। क्लियर मैम। चलिए बढ़िया, चलो एक क्वेश्चन लेती हूँ मैं आपको, तब आप लोग करेंगे उसी पर। ओके क्वेश्चन नोट डाउन कर लो सभी। कीजिए इसको और बताइए आंसर क्या आएगा।
चैट सेक्शन में करना है उनको। गुड, ठीक है, काफी बच्चों के आंसर्स आ गए मेरे पास, बढ़िया। चलो देखें, सभी बच्चों का आंसर ठीक है, वैसे जितने जितने बच्चे भी हैं सभी ने एकदम करेक्ट आंसर किया है, बस एक बच्चे ने गलत किया है। 20 नहीं आएगा बेटा, 29 इसका उत्तर। अब देखो कैसे किया होगा, बॉर्ड मार्क्स लिखा आपने साइड में, आपने देखा सबसे पहले मल्टीप्लाई होगा, फिर प्लस होगा, फिर माइनस होगा, तो क्वेश्चन यही है आपका। तो पहले आप गुणा कर दोगे, 7 को 3 से गुणा करोगे कितना आएगा, 21 आएगा। आपके यहाँ जोड़ दोगे 21 और 12 को जोड़ दोगे, 21 और 12 को जोड़ दोगे 33 आएगा, उसमें से 4 घटा दोगे क्योंकि 4 बचा यहाँ माइनस का, 33 में से 4 घटाओगे 29 आएगा, 29 इसका करेक्ट आंसर है। यस मैम। कोई ऐसा बच्चे से समझ में ना आया हो ये क्वेश्चन? आ गया मैम। गुड, यस मैम। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. चलिए अब मैं ना इसको रिप्लेस करके अब चार वाला करके देती हूँ, इसमें 4 साइन हो, देखते हैं आप लोग कर पाते हैं या नहीं। चलो ये कीजिए, 10 माइनस 8 प्लस 5 गुणा 10 भागा 2, होना उसी तरीके से 4 आ जाए 5 आ जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, आराम से चैट सेक्शन में करेंगे सब। गुड, ठीक है, आंसर्स आने स्टार्ट हो गए मेरे पास, काफी बच्चों के आंसर्स आ गए। गुड, बाकी बच्चे भी कीजिए जल्दी जल्दी। ठीक है, चलिए गुड। चलो अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं, तो आपको पता है पहले भाग होगा, फिर गुणा होगा, फिर जोड़ होगा, फिर घटा होगा, ठीक है, ये लिख देते हैं नंबर वाइज। यस, सबसे पहले आप भाग कर देंगे, मतलब 10 को 2 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 5 आएगा। यस मैम। अगले स्टेप में गुणा होगा, 25 आया होगा। प्लीज बेटा माइक ऑफ रखिए अपना, मेरी आवाज ना डबल आ रही होगी। ठीक है, 25 और 10 को आपने जोड़ दिया कितना आया, 35। 35 में से 8 को हटा दिया कितना आया, 27। यस मैम। क्लियर हुआ, 27। यस मैम। बच्चों ने 27 ही आंसर किया। यस मैम। आप सभी कर लेंगे, फिर से बताऊं, देखो एक और बार देख लो। तो आपको पता है बॉर्ड मास के रूल के हिसाब से सबसे पहले क्या होता है,
होता है. तो आपने 10 को 2 से भाग किया, ये वाला, ये सबसे पहला स्टेप है. तो 5 आया, वो आपने लिख दिया. ठीक है, अगले स्टेप में आपको पता है गुणा होता है, तो 5 को 5 से गुणा करोगे, 5 को 5 से गुणा करोगे कितना आएगा, 25 आएगा, ये मैंने लिख दिया. तीसरे स्टेप में आपको पता है जोड़ होने वाला है, तो 25 और 10 आपस में जुड़ जाएंगे, 25 और 10 को जोड़ा 35 आया. लास्ट में आपको पता है घटा होता है, तो 8 के आगे माइनस का साइन है इसलिए लास्ट में आया, तो 35 में से 8 घटाए को 27 आ गया. क्लियर अभी? यस मैम. यस मैम. यस मैम. यस मैम. यस मैम. बढ़िया. ठीक है ठीक है ठीक. चलो अब एक और क्वेश्चन हम पोल सेक्शन में कर लेते हैं और फिर आगे का टॉपिक करेंगे. ये क्वेश्चन रहा क्वेश्चन नंबर 40. ठीक है, क्या है 13-4 गुणा 3, ब्रैकेट है, ब्रैकेट का ध्यान रखना. सॉल्व कर चैट सेक्शन, फोर सेक्शन में करिए. गुड, दो बच्चों के आंसर आ गए, बढ़िया. अब इस वाले क्वेश्चन में सभी का आंसर ठीक आना चाहिए, कोई भी बच्चा ऐसा ना हो जिसका आंसर गलत हो ये वाला. गुड, अभी तक तो 10-11 बच्चों ने आंसर किया, 11 के 11 बच्चों का आंसर ठीक है, बढ़िया. ओके, 13 स्टूडेंट्स का आंसर एकदम करेक्ट है. कौन सेक्शन का नहीं पता? वो सेक्शन का नहीं पता है तो बेटा क्लास के एंड में रुकना, तब बताऊंगी. ठीक है, अभी क्वेश्चन करके चैट सेक्शन में कर देना आंसर जब मैं ऑन करूंगी. ठीक है? ठीक है मैम. जाना मत क्लास. ठीक है मैम. अभी एक बच्चे ने आंसर गलत कर दिया बेटा, कैसे गलत हो गया? 14 में से एक बच्चे ने आंसर गलत किया है अभी. चलो जल्दी से करो, पिछली बार के 17 बच्चों ने आंसर करे थे. लास्ट के 5 सेकंड्स और बेटा, 5, 4, 3, 2, 1. चलिए बाकी बच्चे चैट सेक्शन में करिए आंसर. सरिता शर्मा के नाम से जो बच्चा है बेटा, माइक ऑन करके, माइक ऑन करो और बताओ आपने कैसे किया ये. आवाज आ रही है मेरी? सरिता शर्मा के नाम से जो बच्चा है बेटा, माइक ऑन करो और बताओ कैसे किया क्वेश्चन. बताइए. 12 और माइनस 13 में से 12 घटा दिए. आप ऑप्शन कौन सा सही लगाया आपने? डी. डी गलत किया बेटा आपने, इसलिए मैंने आपसे पूछा. देखो बॉड मास लगाया, तब तो हम इतने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए. आपको साफ दिख रहा है यहाँ ब्रैकेट है, तो ब्रैकेट पहले हल होता है ना, उसके बाद गुणा है, तो गुणा बाद में होगा. तो डायरेक्ट बहुत ही आसान प्रश्न था, आपने गलत कर दिया. देखो 13 में से 4 घटाए आपने, पहले ब्रैकेट हल होगा, 9 आया, 9 को 3 से गुणा किया तो 27 ही तो आएगा. ऑप्शन 8 सही उत्तर है इसका, डी सही नहीं है. वेरी गुड, सागर कुमार के नाम से बच्चा है, बढ़िया बेटा. समझ में आया आपको? ऐसे नहीं करना था. नहीं करना था. यस मैम.
यस मैम यस मैम अब तो आप लोगों को समझ नहीं आ गया होगा, मतलब इतने चार चार वाले हमने कर लिए, उसके बाद भी आंसर अगर गलत हो रहा है तो गलत है। नहीं आया सर शर्मा के आंसर भी बचाए, नहीं समझ में आपको? नहीं आया दोबारा? एक काम करना ना, चलो अभी बता देती हूँ, ठीक है अभी बता देती हूँ। चलो मैं एक क्वेश्चन दे रही हूँ ना, इसीलिए आप लोग क्या करना, आप लोग उसे सॉल्व करना, बाकी जिसको नहीं आएगा वो स्क्रीन पे देखेगा। चलो ब्रैकेट वाला ही दे देती हूँ। बाकी बच्चे इसे सॉल्व करो, और जिसे समझ में नहीं आया वो मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ फिर से। बाकी बाकी अपने अपने कॉपी में सॉल्व करो, और जिनको नहीं आया वो स्क्रीन पे देखो। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको ब्रैकेट दिख रहा है इतना बड़ा, तो बोर्ड मार्क्स में अगर आप जाओगे सबसे पहले बी आ रहा है, बी मतलब ब्रैकेट, तो ब्रैकेट सॉल्व हो रहा है सबसे पहले, है ना, उसका क्यों हल होता है। उसके बाद यहाँ गुणा है, बाकी ब्रैकेट के अंदर जो साइन है ना उनको मत देखो अभी फिलहाल, उसके बाद गुणा होता है। तो आपने पहले ब्रैकेट को हल करना है, ठीक है, पहले ब्रैकेट को हल करना है। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे ब्रैकेट के अंदर भी ना दो साइन है, अब दो साइन फिर से बॉर्ड मार्क्स में आ जाओ। बॉर्ड मार्क्स में आपको पता है कि पहले प्लस होता है उसके बाद माइनस होता है, तो पहले 13 और 3 को आपको जोड़ना पड़ेगा। तो 13 और 3 को जोड़ा कितना है बेटा, 16 माइनस 4। जब तक ब्रैकेट सॉल्व ना हो जाए आप बाहर की कोई भी चीज गुणा नहीं कर सकते, मतलब बाहर जो भी साइन है वो यूज नहीं करोगे, पहले ब्रैकेट ही हल होगा। 16 में 12 आया, अब 12 को 2 से गुणा किया कितना आया, 24 आया। क्लियर हुआ? नो बेटा, 24 आंसर है इसका। अब क्या किया हमने, यस हमने ब्रैकेट के अंदर फिर से बॉर्ड मार्क्स लगा दिया। क्लियर? इस टाइप के भी क्वेश्चन हो सकते हैं। अब सरिता शर्मा के नाम से जो बेटा, अब बताओ अभी समझ में आया आपको, या इससे भी इजी वाला करवाऊं कुछ? क्लियर हो गया अभी? यस मैम यस मैम यस मैम यस मैम यस मैम बेटा वो तो मुझे पता है, बाकी बच्चे को समझ में आ गया है, मैंने एक ही बच्चे से पूछा है, सरिता शर्मा के नाम से जो बेटा। अगर अभी भी नहीं समझ में आया ना कोई बात नहीं, आप क्लास के एंड में रुक जाना, तब आपका जो भी डाउट होगा ना मुझसे पूछ लेना, मैं बता दूंगी अकेले, ठीक है। अगर अभी भी समझ में नहीं आया तो आपको, चलिए एक पजल हम सॉल्व करते हैं। चलो इसका आंसर सभी को पता है, चैट सेक्शन में करना है। हाँ, बॉर्ड मास से रिलेटेड पजल है। चलिए स्टार्ट करते हैं। यस, ए में ऐसी संख्या आएगी, ठीक है, वैसे ये मेरे लिए थोड़ा ज्यादा मुश्किल होगा, ए से नहीं, मैं स्टार्ट करके जहां मेरे पास दो संख्याएं हैं, जैसे सबसे लास्ट वाला है ना, ये मैं सॉल्व कर सकती हूँ, ई वाला वो ज्यादा बेटर है। तो 18 में एक जोड़ोगे तो वो ई में आएगी संख्या, बताओ ई में कौन सी संख्या आएगी? ई से शुरू करते हैं, ई से मैंने इसलिए शुरू करा क्योंकि बाकी हर जगह एक एक संख्या थी तो थोड़ा मुश्किल हो जाता मेरे लिए। 18 में एक जोड़ो तो 19 आएगा, ए में दो आएगा मैम, यस 19 आएगा, ई में मेरा 19 आ गया। अब मेरा ये वाला काम हो गया, अब मैं यहाँ चलती हूँ जहाँ पे फिर से मुझे दो संख्याएं दिख रही हैं, ये वाली, अब मैं बी वाले को फिल कर सकती हूँ यहाँ से, क्योंकि बी में ऐसी संख्या आएगी कि उसमें 11 जोड़ो तो 19 आए। बी में आप ही बताओ ना, बी में वही तो संख्या आएगी कि उसमें 11 जोड़ू तो 19 बैठ जाए मेरा, बताओ बी में कौन सी संख्या आएगी? बी में कौन सी संख्या आएगी? वेरी गुड, 8 ही आएगी ना, क्योंकि बी में अगर मैं 8 लिखूं
और 8 में 11 जोड़ो तो 19 आ रहा है। ये सामने ये वाला जो रो है, ये वाली जो है, ये वाला जो कॉलम आपको दिख रहा है, इसमें ये वाला तो फिट बैठ रहा है ना, ये एक साथ आएगा, 8 प्लस 11 बराबर 19। वैसे मैंने ये वाला हल किया था यहाँ, ठीक है। नेक्स्ट अब देखते हैं कौन सा मिलने ज्यादा इजी, आपको सभी हो जाएंगे, है ना। ए में ऐसी संख्या आएगी कि उसमें 4 जोड़ू 8 है, ए में ऐसी संख्या आएगी कि उसमें 4 जोड़ू 8 हो जाएंगे, तो बताओ ए में कौन सी संख्या आएगी। यस वेरी गुड, 4 आएगी, 4 ही आएगा ए में, 4 और 4 8 हो जाएंगे, ठीक है। ए में 4, बी में 8। लास्ट बचा, पर सी भी बचा है। अब सी वाला देखो, सी वाला कैसे भी कर सकते हो, मैं ऐसे वाले लेके चल रही हूँ। तो आप बताओ सी में वो संख्या आएगी कि उसमें 4 जोड़ो तो 18 बन जाए, सी में ऐसी संख्या आएगी कि उसमें 4 जोड़ो तो 18 आ जाए। यस वेरी गुड, 14 है ना, क्योंकि 14 और 4 18 होते हैं। आप चाहो तो डायरेक्ट आप 18 में से 4 घटा दो, तो मेरी वही सी वाली ही संख्या आएगी। अब डी को करने के मेरे पास बहुत सारे तरीके हैं, चाहे मैं सीधे सीधे कर लूं या ऐसे भी कर लूं। यहाँ डायरेक्ट कर लेती हूँ ना, 14 में से क्या घटाऊं ऐसा वो डी में आएगा कि 11 बचे, 14 में से ऐसी कौन सी संख्या घटाऊं कि मुझे 11 मिले। ये वाला जो है आपको जो दिख रहा है इस कलर का, वेरी गुड, 3 आएगा, 14 में से 3 घटाओगे तभी तो 11 आएगा। क्लियर हो गया सभी को? यस मैम। यस मैम। यस मैम। बेटा माइक का यूज ना करके हम चैट सेक्शन का इस्तेमाल करेंगे वाई टाइप करने के लिए, ठीक है। यस मैम। यस हाँ, ये आपके आंसर है। अब देखिए इतनी बड़ी पजल है, रेडी है करने के लिए वाली पजल। इसमें आपको ए से लेके एन तक के नंबर्स फिल करने हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वाली को। काफी बड़ी पजल है, तो ए से ही शुरू करते हैं। तो ए में वो नंबर आएगा कि 14 ऐड करो बी आई, इसको छोड़ो, ए से नहीं, लेट्स स्टार्ट विद, हम शुरू करते हैं। आप बताओ कहाँ से शुरू करना चाहिए, कौन सा इजी बैठेगा मेरे लिए, जहां पे मुझे दो वैल्यूज दे रखी है। डी से शुरू करना है, हाँ डी से भी शुरू कर सकते हैं। नहीं बेटा डी से कैसे शुरू करेंगे, ए में भी तो नहीं है मेरे पास। अच्छा हाँ के में आ सकता है, के से शुरू करते हैं, 27 और 11 वैसे कहीं से भी कर सकते हैं, मैं के से शुरू करती हूँ। 27 और 11 के में आएगी वो संख्या, के में कौन सी संख्या आएगी, 27 और 11 को जोड़ के जो संख्या आएगी। यस बढ़िया बढ़िया गुड, सभी बच्चे आंसर सही कर रहे हैं। 27 और 11 को जोड़ दो के में आ जाएगा, 7 और 1 8, 2 और 1 3, 38 आएगा, के में मैंने 38 लिख लिया, सबसे पहले सॉल्व हो गया, गुड। सभी बच्चों का ठीक है। अब बताओ आप कौन सी संख्या ली जाए। अब हम यहाँ से कहीं भी जा सकते हैं, जैसे मैं यहाँ जा सकती हूँ, चलो आई में पहुंच जाती हूँ। हमने 11 में क्या जोड़ू कि 27 आई, आई वाले में देखो 11 में ऐसी कौन सी संख्या जोड़ू कि 27 बन जाए मेरा। अब डायरेक्ट ना 27 में से 11 को घटा दोगे तो वही आई में आ जाएगा, ये तो होगा। हाँ 11 प्लस आई इज इक्वल टू 27, तो आई में कौन सी नंबर आएगा। अब डायरेक्ट 27 में से 11 घटा दो वही संख्या आई में आएगी, 16 आएगा, आई में आ जाएगा 16, तो लिख दो आई में 16। सभी का ठीक है। नेक्स्ट आप बढ़ते हैं, चलो यही रो कंप्लीट कर लेते हैं हम अपनी। 27 माइनस जे 10 बचे, ये 27 में से क्या घटाऊं कि 10 आए।
मैम 17 माइक ऑन करके नहीं चैट सेक्शन में गुड चैट सेक्शन में सभी के आंसर ठीक आ रहे हैं 27 में से क्या घटाऊं ऐसी संख्या कि मुझे 10 मिले गुड 17 ही तो होगी कि आप डायरेक्ट 27 में से 10 घटा दो जे में ही आएगी वो संख्या 17 वो संख्या है 17 आ गया गुड नेक्स्ट चलो ये वाली हमारी पूरी कंप्लीट हो गई है इसके नीचे वाले में आ जाओ 38 माइनस 7 करो एल में आएगा 38 में से 7 घटाओ तो वो नंबर हमारा एल में आ जाएगा गुड घटा दो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा बढ़िया 31 है ना 31 आएगा एल में 31 गुड 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 नाइस बढ़िया नेक्स्ट अब एम और एन के लिए ना ऊपर वाला ले लेते हैं कुछ जैसे ये वाला ले लो ये वाला पार्ट ले लो एम के लिए ना ये बेटर है यहाँ सॉल्व करना 20 में से 17 घटाओगे एम में आ जाएगा 20 में से 17 घटाओगे एम में आ जाएगी वो संख्या जो रेड वाला बॉक्स बना रखा है ना वो भी तो वही फॉलो कर रहा है 20 में से 17 घटाओ एम में आएगा ये 3 आएगा एम में वेरी गुड बेटा सभी का ठीक है 3 आ जाएगा ठीक है अब इसी तरीके से n में आप कैसे भी सॉल्व कर लो जैसे n में ऐसे चले जाते हैं 31 प्लस 3 m में आ जाएगा 31 प्लस 3 ये वाला बॉक्स दिख रहा है ये वाला n में आ जाएगी वो संख्या लास्ट में 31 प्लस 3 यस 34 आ जाएगा ग्रेट 34 है ना यस नेक्स्ट हम चलते हैं ऊपर वाले में चलते हैं अब डी में आप बता सकते हो अभी नहीं यस डी में बता सकते हो डी में ऐसी कौन सी संख्या आएगी 9 से घटाऊं तो 14 आ जाए डी में ऐसी कौन सी संख्या आएगी कि उसमें से 9 सब्ट्रैक्ट करूं तो मुझे 14 मिल जाए बेटा घटाना है जोड़ना नहीं है यहाँ माइनस का साइन है देखो 5 नहीं आएगा गलत बता रहे हो 14 और 9 को जोड़ दो वही संख्या है जो डी में आएगी 14 और 9 को जोड़ दो यस 23 आएगा है ना आप गलत बता रहे हो 5 में से 9 घटाओगे 14 को आ ही नहीं सकता 23 आएगा गुड गुड अब 14 में क्या जोड़ोगे ई में आएगा कि 16 मिले बहुत आसान है 14 में ऐसी कौन सी संख्या जोड़ोगे वो ई में आएगी तो मुझे 16 मिलेगा बहुत इजी बहुत छोटा सा नंबर है यस वो नंबर है 2 14 प्लस 2 16 होते हैं ठीक है यस चलिए नेक्स्ट कर लेते हैं इसको जल्दी जल्दी सॉल्व कर लेते हैं ये वाला पार्ट हो गया अब एफ में बताओ ये वाला बॉक्स कर लेते हैं फिर 14 और 9 को जोड़ो एफ में आएगा 14 और 9 को जोड़ो एफ में वो संख्या आएगी 14 और 9 को जोड़ो एफ में आएगा ना 23 यस करेक्ट 23 आएगा 23 आएगा गुड 23 आएगा एफ वाली भी मेरी फिल हो गई ठीक है अब जी में आ जाओ 27 में से 23 माइनस करो जी में आएगा 27 में से 23 माइनस करो तो ये जी वाला बॉक्स हमारा फिल हो जाएगा 27 में से 23 4 आएगा यस जी में 4 आ जाएगा जी में आ जाएगा 4 गुड नेक्स्ट आप देखते हैं मेरे लिए क्या इजी होगा यहाँ पे फिल करना अब जी में 4 में 20 जोड़ो एच आएगा 4 में 20 जोड़ो एच आएगा बेटा यस
20 और 4 24 होंगी जो H में आएगा, ठीक है। ये C में बताओ, C में ऐसी संख्या आएगी उसमें से 16 घटाऊं तो 24 आए, C में ऐसी संख्या आएगी उसमें 16 घटाऊं तो 24 आए, तो डायरेक्ट 24 और 16 को जोड़ दो मेरा उत्तर आ जाएगा, 24 और 16 को जोड़ दो सी में वही संख्या आने वाली 40 40 आएगा ना। ये अब मेरी सब ऊपर वाले को आराम से सॉल्व हो जाएगी। बी में 22 जोड़ो 40 आए, बी में ऐसी कौन सी संख्या आएगी 22 जोड़ो 40 आए, तो 40 में से 22 आपको घटा देने वही संख्या मुझे मिल जाएगी। ये वेरी गुड, 18 है ना, बी में 18 आ जाएगा, ग्रेट। लास्ट है ए में 14 जोड़ो 18 आएगा, ए में 14 जोड़ो 18 आएगा, तो ए में कौन सी संख्या आएगी सबसे छोटी इसके हिसाब से, यस 4 ही तो जोड़ोगे, 4 प्लस 14 18 होता है, 4 प्लस 14 18, क्लियर सभी को? यस मैम, तो आज की क्लास के लिए इतना ही।